वेलकम बैक टू माय चैनल ताशु ब्लॉग। सो अभी बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब सुपर एक्साइटेड है। विल शेयर समथिंग सून बट अभी नहीं रिवील करूँगी गाइस। एंड अभी शाम के कितने बज रहे हैं दीदी, शाम के कितने बज रहे हैं? 4:40। तो अभी फुआ आने वाली है, अभी हमें मार्केट जाना है, कपड़ा सिलने दिया था, वो लेके आएंगे फुआ का जाके। एंड अभी चाय नाश्ता किया हमने, खाया है चॉकलेट हर्शीज ब्रेड एंड और हमने मम्मी के लिए आया था, क्या कहते हैं उसको, शुगर फ्री बिस्किट्स, वो हम ही लोग ने खा के ख़त्म कर दिया। और अभी चाय बनेगा तो फिर चाय करेंगे, उसके बाद फिर फुआ के साथ जाएंगे। और अभी कुछ देर के बाद, अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बस सोई हुई लेटी हुई हूँ फ्रीली, कुछ काम नहीं है। और भाई जैनी का बर्थडे आने वाला है 20 जुलाई को, उसके लिए भी हमने काफ़ी कुछ सोचा हुआ है, मतलब कुछ अलग ही होगा उसका बर्थडे। हम लोग का बर्थडे वीक सब कुछ अलग होता है, हम लोग कुछ भी सेम टाइप का नहीं कर सकते, मतलब कुछ ना कुछ डेकोरेशन अलग ही रहता है, सब कुछ आप देखे होंगे ब्लॉग में। एंड गाइस मैंने नेल आर्ट कल तो मैंने नहीं दिखाया था अच्छे से, आप लोग भी ट्राई करना है। एंड गाइस तो मैं जा रही हूँ अभी, थोड़ा मतलब तैयार व्यार हो जाती हूँ, कल रात का ही नहाया हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलता, मतलब मैं बहुत आलसी हो गई हूँ, मम्मी बहुत गुस्सा आ रही है, इसलिए मानिए हम ब्लॉग बना रहे हैं। डोंट इंटरप्ट इन माय ब्लॉग, सो प्लीज जस्ट शट अप। एंड गाइस दीदी कितनी अच्छी लग रही है ना गाइस, ये हमारी घर की हीरोइन है, क्या कहते हैं उसको, हीरोइन मुझे बना देना, सब डॉलर चढ़ा दूंगी बदले में। गाइस मैं बहुत गंदी लग रही हूँ, मैं देखिए नहा के अभी तैयार हो जाती हूँ। तो गाइस मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और मैंने पहना अपनी दीदी का कपड़ा। तो गाइस मैं झट से अपना सिंपल मेकअप कर लेती हूँ, बहुत काफ़ी सिंपल है, सबसे पहले तो मैं बॉडी लाइन लगा लेती हूँ, और मतलब क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ये बढ़ गया है ना पिंपल्स, मुझे सबसे बेस्ट लगता है बॉडी लाइन की लगा लो, इससे मेरे पिंपल्स काफ़ी कम हुए हैं और ये काफ़ी चिपचिपा है। हमको बाकी सब कोई भी क्रीम यूज़ नहीं करता, हम ट्राई किए थे लेकिन कभी भी ये सब, बट उससे मेरे पिम्पल्स बढ़ गए, पर बोरेलिन काफ़ी सही था मेरे फेस पे, चिप चिप तो रहता है पर ठीक है, तो ट्राई करने में सही लगता है। तो कभी बोलिए सबसे सिंपल मेकअप करते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा फेस साफ लग रहा है बट उतना है नहीं, मैं बता दे रही हूँ। और गाइज मेरा फेवरेट चीज़ आई लाइनर, आँखों में नहीं यहाँ ज़रूर लगाती हूँ, काफ़ी पसंद है मुझे वहाँ लगाना, ये स्कूल में एक ट्रेंड हम ही लोग ने सेट कर दिया था, मतलब सबसे पहले मानी लगा के जाती थी स्कूल में, उसके बाद धीरे मैंने भी किया, उसके बाद धीरे सब लगा के आने लगे, मतलब अधिक ज़्यादा गर्ल्स नहीं बट जो थी वो सब लगाती थी देख के, ये वाला चीज़ स्टिकर यहाँ पर, बट स्कूल में भी। तो गाइस मैंने ऐनक नहीं यूज़ किया, अपना मोबाइल का कैमरा यूज़ कर, काफ़ी छोटा लगा है। अच्छा लग रहा है ना, इससे फेस पता नहीं क्यों निखर जाता है। एंड ये सिंपल सा लिपस्टिक मैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं कभी जाती हूँ ना तो पहले ये निकालती हूँ, ये सो निकालती हूँ, ऐसे ऐसे बस लगा लेते हैं। अगर हम अपने रूम में बैठे हैं ना तो मुझे लिपस्टिक मिल गया ना, मैं सामने मार के रूम में अनुक में ऐसे ऐसे सो हमको देखेगा क्या कर रही है ये घर में, उसको मेरे पास लिपस्टिक से इतने सारे लिक्विड लिपस्टिक मेरे पास सारे हैं बट मुझे लिक्विड नहीं पसंद, दीदी ने मंगा लिए थे। और मैं आप लोग को जल्दी एक मेकअप वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैंने सिंपल मेकअप करूंगी, मैंने मेकअप के सारे सामान मंगवा लिए हैं, मम्मी से मैंने सब ऑर्डर करवा लिया, तो काफ़ी जल्द वो मेकअप वीडियो भी आएगा और एक और न्यूज़ भी आएगी, तो कैसे अच्छा लग रहा है ना। और मैं अभी तो भूल गई बट जब भी आप अपने लिप पे लिपस्टिक या कुछ भी लगाओ तो उससे पहले या फिर वैसलीन यूज़ कर लो या फिर कोई भी क्रीम लगा लो, जो भी फटे हो या फिर रफ हो तो वो क्या कहते हैं उसको मॉइस्ट हो जाए, तो जिससे आपका लिपस्टिक हो जाए। काजल मुझे नहीं पसंद, मैं जल्दी से अपने पाल बना लेती हूँ। मैं एक चीज़ भूल गई, मुझे ये मुझे मस्कारा बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मेरे पास एक अच्छा वाला भी है बट वो मैं नहीं यूज़ करती, मुझे लगता है घर वो मैं बाहर जाऊँ तो यूज़ करूँ, और ये मुझे लगाने भी नहीं आता प्रॉपर, मेरे आँख के ऊपर लग जाता है। कि लग गया इसलिए मुझे नहीं लगाना आता, मैं दीदी से लगवाती हूँ। आप लोग बोलोगे कि एक दुकान मतलब मार्केट जाने, नहीं मुझे रील शूट करनी है इसलिए मैं तो तैयार हो जा रही हूँ। और
उसके बाद मैं आप लोग से बात करती हूँ। अगर आप मुझे ज़्यादा ब्राइट मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ब्राइट मेकअप नहीं पसंद, तो गाइज आप लोग बोलो ये मेकअप की वीडियो क्यों बनाई है, तो ब्लॉग है। सॉरी गाइज, तो अब बाल बना लेती हूँ फाइनली। ये गाइज तो देखिए गाइज, कंगना सब भाई को हाय। तो गाइज अभी हम तीनों जाएंगे फुआ के साथ। ठीक है गाइज, तो मिलते कुछ देर के बाद। देखिए मैंने बाल झाड़े वो सिंपल रखा, तो बाल झाड़ने में इतना दिक्कत आ रहा था, तब भी मैंने फाइनली अपना बाल झाड़ लिया। एंड गाइज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो गाइज मिलती कुछ देर के बाद, मैं आपको अपना आउटफिट दिखा देती हूँ। सो गाइज ये तानी का लुक। सो गाइज दिस इज माय आउटफिट फॉर टुडे। सॉरी गाइज मैं अपनी बैट बॉल और हमेशा की तरह एडी से बॉलिंग करवाता है खाली, है ना एडी, बोल दो। नहीं तुम एकदम अपने। तो गाइज ये जो लड़का है ना रेड टी शर्ट में, बहुत ही बदमाश है, एक नंबर का डोम है गाइज। ठीक है, ये जब भी ब्लॉगिंग करे आप इसको छुछंदर कहेंगे। हट, देखो जैसे ही मैंने बोला शिट बॉल गया। तो गाइस बॉल चला गया है वहां पर। तो गाइस अब देखते हैं बॉल लाने कौन जाएगा। अभी काफी आर्गुमेंट होगा कि कौन लाएगा, आर्गुमेंट होगा ना कौन जाएगा कौन नहीं। वेट करेगा कि अब कोई आएगा तो लेके जाएगा, हमको नहीं लगता कोई आएगा। देख सकते हैं अंश अभी तक यहाँ खड़ा है, तो क्या करने वाले हो, क्या सोच रहे हो? अरे वो अंकल को बुला लेते हैं। वो अंकल जो बुलाएंगे ना, उनकी जो आंटी है ना पत्नी, वो हम लोग गलियाना शुरू कर देती हैं। गलियाना स्टार्ट करेंगे तो हम तो गाइज हम लोग का बॉल अभी तक पड़ा है, तो देखिए आंटी घूमेंगे हम लोग का कौन बॉल ला के देगा। आप मत देखिए आंटी, आप चले जाइए। इन लोग का डांस शुरू हो गया और यहाँ पर बॉल। अगर हम ना जीन्स पहने रहते तो पक्का जाके फान के ले आते, बट मैंने फ्रॉक पहना है तो आई का यही आंटी है जो कर। ठीक है हम लोग निकल चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं, तो मिलते हैं रास्ता में पहुँच कर। तो गाइज अब हम लोग घर जा रहे हैं, हम लोग का काम हो गया, मतलब जो सीनरी का कपड़ा था थोड़ा टाइट हुआ था, उसको अल्टरनेट अभी करवाना है। एंड फुहार ये पीछे पीछे, तो हम लोग चलते हैं घर जल्दी से। मानी को मैंने बोल दिया पास्ता बना के रखने, तो पास्ता बन रहा है, हम लोग खाएंगे जाते ही। ठीक है देखो सब खा रहे, अभी पास्ता खा ही लिया, बहुत तीखा बना देती है, सबका मुँह लहर गया यार। और इसको ब्लॉग एडिट करने बोला तब से एडिट नहीं हो पा रहा है भाई, ये चुप रहो। और गाइस मैं ही बॉल लाने गई थी, बोलो जनता को कौन बॉल लाने गया था, ब्लॉगिंग भी नहीं किया हम बॉल लाने गए तो। एनी बॉल लाने कौन गया था, हम गए थे। द नेक्स्ट डे। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी गाइस तो सुबह हो चुकी है, मैं कानी पे बोली ता रहा हूं। अरे हम जोर से ही बोल रहा हूँ, दूसरी बार हम जोर से नहीं बोल सकते। तो गाइज हमने नाश्ता कर लिया है और हल्दी वाला दूध भी पी लिया, ग्लास रखा हुआ है, और हमने कल वाला एपिसोड भी बैठ के आज ही देख लिया, हमारा फेवरेट शो मतलब VIP स्टाइल पे देख लेते हैं। तो अभी गाइज हम जा रहे हैं, जा नहीं रहा, अभी हम वीडियो अपलोड करने जा रहे, तो आप लोग से कुछ देर के बाद बात करते हैं। गाइज तो यहाँ पे आ चुका है मेरा पूरी, पनीर चिली, और ये आलू का है सब्जी, और तो चलो खाता हूँ मैं अब। यानी अपना क्लास कर रही, कौन सा सब्जेक्ट लेनी, संस्कृत इंग्लिश है। और ये रंस अपना क्लास व्लास कर लिया, एकदम मोटू लगता है, एकदम गधा। और मम्मी दवाई खा ली है, तुम अभी बताओ तुम कैसी हो? ठीक है। ठीक हो? ठीक है। तो तानी जस्ट बना के लाई है हम लोग के लिए वेज रोल, और एनी को बहुत भूख लगा हुआ है इसलिए बोलिए जल्दी भाई यार, सॉस भी है तो चलो भाई जल्दी खाते हैं ये यमी यमी अम्मी यमी चीज़ें। शाम हो चुकी है एंड मुझे भूख लग गया, तो मैं मोमोज फ्राई कर रही हूँ,
मोमोज थे ऑलरेडी बट वो स्टेम थे तो मुझे फ्राई पसंद है, तो मैं फ्राइज मोमोज खाती हूँ, फ्राई मोमो कर रही हूँ बिकॉज आई एम अ बिग फैन मोमो लवर, तो मैं मोमो फ्राई हो रहे हैं, आवाज़ आ रहा होगा, मोमो फ्राई हो रहे हैं, फ्राई मोमोज रेडी हो चुके हैं और फिर सिक्की भी हद होती है। मैंने बोला नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं मोमोज़ फ्राई कर रही थी तो दीदी ने बोला कि मोमोज़ फ्राई करके मत खाओ, बहुत मतलब क्या कहते हैं उसको, हार्मफुल होता है। और खुद जब मैं फ्राई कर ली तो उठा के खा ली, भाई मतलब तुम एक बार पेरो नहीं, या तो मत खाओ या तो खाओ, बोलो खाओ, मतलब क्या है यार कुछ भी। कि गाइस तो अभी शाम हो चुकी है और शाम की अब रात हो चुकी है, अब खाना खाने का टाइम हो गया है। एंड अंश को, अंश का तबियत खराब हो गया, अपना खाना मना कर दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। एंड उधर एक लड़की मुंह पिला के बैठी हुई दीदी, इसको दर्द पड़ गया, मैं यहाँ मोबाइल देखती हूँ। अंश नहाने गया तो बात करती हूँ आप लोग से कुछ देर के बाद। तो अब सोने का टाइम हो चुका है, 10 बज चुका है, तो चलो सो जाते हैं यार।